हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुई शोक सभा। मंदिर के पुजारी कर्मचारी सहित अन्य लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाए गए लैब की प्रगति की ली जानकारी। टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित करने के दिए निर्देश, कहा कोरोना की जांच में न होने पाए कोई चूक। डीएम और एसएसपी ने होम क्वारंटाइन किए गए बच्चों के स्वास्थ्य की ली जानकारी। विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर किया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा, कहा रहे घर में करें लॉकडाउन का पालन। जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन से अब तक 6 से 7 हजार घरों तक पहुंचाया जा चुका है राशन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस अनुभव सिंह ने कहा मैप तैयार कर किया जा रहा है निर्धन असहाय व निराश्रितों की सहायता। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान चिकित्सकों एवं जरूरतमंदों के सहयोग के लिए प्रधान संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा कोविड-19 पीपीई किट, जिससे मिल सके जरूरतमंदों को मदद। महानगर में मुख्य एंट्री प्वाइंट बरगदवा में पुलिस करा रही लॉकडाउन का पालन। सीओ कैंपियरगंज ने कहा कोरोना के बचाव के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। गरल अभियान के तहत कच्ची शराब पर भी हो रही है कार्रवाई। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा कोरोना के खिलाफ लगातार है जंग जारी। लोगों में मास्क, सैनिटाइजर एवं लंच पैकेट क्या वितरित, अपने सामने डाउनलोड कराया आरोग्य सेतु ऐप। मेवा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है लगभग पूरा पालन, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने दी जानकारी। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से एनडीआरएफ की टीम द्वारा प्रमुख स्थानों को कराया जा रहा है सैनिटाइज। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने कहा सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का कराया जा रहा है छिड़काव। कम्युनिटी किचन के द्वारा इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवरों का भी रखा जा रहा है ध्यान, लगातार वितरित किया जा रहा है खाद्य पदार्थ। हिजलपुर लाइन में स्थित गणना कार्यालय पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों का कराया जा रहा है थर्मल स्कैनिंग। सीओ कैंट ने कहा पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने के लिए कराई जा रही जांच। महेवा मछली मंडी में शुरू हुई जेटपुट मछली की बिक्री, मत्स्य व्यापार कल्याण संस्थान के अध्यक्ष गजेंद्र साहनी ने दी जानकारी। और लॉकडाउन में छूट मिलने के भ्रम में सुबह बड़ी संख्या में वाहन लेकर सड़क पर निकले लोग, पुलिस ने चौराहों पर लगे बैरियर के पास रोका भीड़ को, सड़क पर ही 1-1 मीटर की दूरी पर बैठाया घेरे में।